दोस्तों, हर एक इंसान चाहता है कि कम दाम में एक गाड़ी खरीदूं जो स्टाइलिश भी हो और काफी अच्छा भी हो, काफी मजबूत भी हो और काफी टिकाऊ भी हो। तो अगर आप ऐसा बाइक खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं आज सुजुकी जिक्सर के बारे में बात करूंगा। जो सुजुकी जिक्सर पिछले दो दिन में लॉन्च हुआ है, इसके लिए मैंने दो वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, लेकिन ये जो वीडियो है फाइनल वीडियो है। इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स देने वाला हूँ, मतलब आपको कुछ भी चीज़ बाकी नहीं रखूंगा। अगर ये गाड़ी के बारे में आप इस वीडियो में पूरा जान लोगे तो आपको गाड़ी खरीदने में कोई कंफ्यूज नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिए। और दोस्तों, अगर आप कोई बाइक खरीदने जा रहे हो तो इस वीडियो के नीचे आप कॉमेंट कर दो कि आप कौन सी बाइक खरीदने जा रहे हो, तो उस बाइक के बारे में वीडियो बना के इस चैनल में अपलोड कर दिया जाएगा। और आपको मिलेगा कैसे, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखोगे तभी आपको वीडियो मिल जाएगा। तो इस बाइक का नाम है सुजुकी जिक्सर 155। आप सोच रहे होंगे ये गाड़ी तो पहले से मार्केट में अवेलेबल है। दोस्तों, जो गाड़ी मार्केट में अवेलेबल है वो है सुजुकी जिक्सर 150, मतलब ये जो गाड़ी अभी अभी आया है ये सुजुकी जिक्सर 155। और ये जो बाइक है ये डेफिनेटली अच्छा होने वाला है, क्योंकि आप एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, कोई भी चीज़ आप मार्केट में उसको लॉन्च करते हो, लॉन्च करने के बाद आप पब्लिक रिएक्शन देखते हो। जैसे कि सुजुकी ने जिक्सर पहले से मार्केट में लॉन्च कर दिया था और उसने पब्लिक का रिएक्शन देखा था कि पब्लिक का क्या रिएक्शन आया, तो उसी हिसाब से पब्लिक का रिएक्शन, मतलब जो कुछ पब्लिक का ये प्रॉब्लम हुआ, कुछ पब्लिक का वो प्रॉब्लम हुआ, सारे प्रॉब्लम की सलूशन लेकर इस गाड़ी में उसको उस सलूशन को उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर उसके बाद इस गाड़ी को लॉन्च किया है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये गाड़ी डेफिनेटली अच्छा होने वाला है। तो इस गाड़ी की कीमत उस गाड़ी की कीमत से 12,000 रुपये ज़्यादा है। मतलब अगर आप सुजुकी जिक्सर 150 खरीदने जाओगे तो आपको 90,000 रुपये में मिल जाएगा। और अगर आप इस सुजुकी जिक्सर 155 खरीदोगे तो आपको यहाँ पे 1,02,000 रुपये पे करना पड़ेगा। तो ये जो बाइक है ये FZS की तरह 70% दिखने में, हेडलाइट की तरफ देखो, जो साइलेंसर है इसका, जो साइलेंसर है वो डबल छेद वाला है, और जो FZ में आता है वो भी ऐसे छोटा सा साइलेंसर होता है लेकिन सिंगल छेद वाला। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जो बाइक है ये बिल्कुल 70% FZS की तरह दिखने में है। जब भी आप इस बाइक को खरीदने जाओगे तो आपको इस बाइक में 2-3 कलर भी मिल जाएंगे। और इस बाइक का जो चक्का होता है वो दोनों ही चक्का ट्यूबलेस बनाया गया है, और इस बाइक में दोनों चक्के में आपको डिस्क मिल जाएंगे, और बीच में गाड़ी के एकदम बीच में आपको एक मोनो सस्पेंस शॉकर मिल जाएंगे, जो शॉकर काफ़ी मजबूत होता है। और ये गाड़ी थोड़ा छोटा है, कुछ लोग क्या कहते हैं कि गाड़ी खरीदने के बाद दोस्त लोगों को तीनों को बिठा के लेके जाना था, मतलब एक ड्राइवर और 2 पैसेंजर, इस गाड़ी में शायद आपको आप 3 इंसान को नहीं बैठा सकते, क्योंकि ये गाड़ी स्पेस में थोड़ा सा छोटा है। और गाड़ी का जो सीट है, मतलब जो बैठने की जगह है, वो 2 पार्ट में भाग कर दिया गया है, यानी डबल पैसेंजर, मतलब डबल इंसान इस गाड़ी को चला से मतलब लेके जा सके, बैठ सकता है। अगर बीच में से सीट भाग ना करता तो शायद आराम से बीच वाला इंसान बैठ सकता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि 3 इंसान के लिए मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूँ तो आपके लिए बाइक नहीं है। तो इस बाइक का जो आप फ्यूल टैंक देख रहे हो, ये फ्यूल टैंक बिल्कुल, मतलब इसका जो टैंकी होता है ये बिल्कुल FZS की तरह बनाया गया है, मतलब सीट से बहुत ऊँचा, मतलब अगर आपका गाड़ी किसी खड्डे में धड़ाम से गिरा, मतलब आप जा रहे हो कहीं पर, तो अगर आपका सामने का चक्का एकदम गड्ढे में आ गया तो आपका प्राइवेट पार्ट में काफ़ी चोट आ सकता है, क्योंकि ऐसा चोट मैं खा चुका हूँ, मेरे पास एक FZS मौजूद है। और जब भी आप इस बाइक को ख़रीदने जाओगे तो आपको यहाँ पे जो पीछे का जो इंसान बैठता है वहाँ पे एक पैर रखने का जालती वाला जगह दिया जाता है, जहाँ पर रॉड रहता है, बिल्कुल वहीं पे पैर रखने का जगह दिया जाता है, वो आपको अलग से ख़रीदना पड़ेगा, ये कंपनी की तरफ से नहीं दिया जाएगा। और जब कंपनी की तरफ से ये सब चीज़ नहीं दिया जाता तो कंपनी की वेबसाइट में ये सब चीज़ मेंशन नहीं किया जाता, दिया जाएगा या नहीं ये सब भी नहीं रहता है। लेकिन फिर भी मैं गाड़ी का फ़ोटो देखकर आपको बता रहा हूँ, और जब मैं FZS को ख़रीदा था तो मुझे भी नहीं दिया गया था, FZS की कीमत बिल्कुल ऐसा ही था, और तो मुझे नहीं दिया गया, मुझे अलग से ख़रीदना पड़ा। और इसका ये चीज़ तो बहुत घटिया है, इसका और एक चीज़ घटिया है, इसका जो सामने वाला जो लेग गार्ड होता है, लेग गार्ड जहाँ पर अगर आप गिर जाओगे तो आपका पैर में चोट ना आए, तो इसीलिए एक लेग गार्ड होता है, ये भी आपको नहीं दिया जाएगा, ये भी आपको अलग से ख़रीदना पड़ेगा। तो इस गाड़ी में अगर आप 1 लीटर पेट्रोल भरते हो तो आप तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर तक ही जा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। कंपनी आपको बहुत बताएगा कि मैं ये 60 किलोमीटर जाएगा, 70 किलोमीटर जाएगा, 80 किलोमीटर जाएगा, ऐसा नहीं होता है भाई, क्योंकि कंपनी जो बताता है एक तरफ से देखा जाए तो सही है। मैं कंपनी अगर बताता है कि ये गाड़ी
एक लीटर पेट्रोल में 60 किलोमीटर तक जाएगा, तो मैं भी मानता हूँ 60 किलोमीटर तक जाएगा, लेकिन उसके लिए क्या होगा, उसके लिए एक फांका रोड चाहिए और लंबा रोड चाहिए, और मतलब जहाँ पर भीड़ भट्टा जैम ना लगता हो। अगर आप किसी भी गाड़ी को स्पीड दौड़ाओगे तो वो गाड़ी तेल कम खाता, पेट्रोल कम खाता है, तो इसीलिए कंपनी उसी हिसाब से बोलता है। पर हम लोगों को तो गाड़ी चलाना है जैम में, ट्रैफिक में, है मतलब बहुत जगह पे ऐसे सिग्नल में गाड़ी चलाना पड़ता है, तो इसलिए इसका पेट्रोल मैं आपको जैसा बताया कंपनी की माइलेज के बारे में एक ध्यान में नहीं रखना है, सिर्फ हमको हम लोगों को रखना है कि गाड़ी कितना सीसी का है। 160-155 सीसी की गाड़ी 25 से 30 किलोमीटर ही माइलेज देता है दोस्तों। दोस्तों बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जो गाड़ी के बारे में बड़ा चढ़ाकर बोल देते हैं लेकिन इसके खामियां नहीं बताते। दोस्तों मैं आपको कमियां, खामियां, अच्छाइयां सब कुछ बता चुका हूँ। अगर आप डिसाइड करते हो कि गाड़ी लेना है तो ले लीजिए, अगर आप डिसाइड करते हो गाड़ी नहीं लेना है तो मत लीजिए। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। अगर ऐसा गाड़ी कोई खरीदना चाहता है तो उसको इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, और वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। बस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।